आकृति, जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। देखो, ज्यादा परेशान मत हो। तुम जाओ, जाके अपने कपड़े बदल लो। मेरे को समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं, क्या सही है क्या गलत। मैं बस इतना जानता हूं कि इस घर के साथ मेरा दिल जुड़ा हुआ, लेकिन मैं इतना खुदगर्ज भी नहीं हो सकता कि अपने घर के जुड़ाव के लिए मैं अपने परिवार की जिंदगी खतरे में डाल दूं। बाबा, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, कोई ना कोई हल जरूर निकल आए। कैसे दक्ष, तुमने पढ़ाने कागज में क्या लिखा था? बेटा, पानी बिजली के बगैर तुम जी लेंगे, कि हमें से किसी को कुछ हो गया मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। आकृति बेटा, बेटा मुझे माफ कर, मेरी वजह से तुम्हें तकलीफ झेलनी पड़ रही। नहीं काका, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? काका, आप इतनी जल्दी हार मत मानिए। मेरा और वेदांत का जन्म भी इसी घर में हुआ है। इस घर के आंगन के साए में हमने अपना बचपन बिताया है। काका, इस छत के साए में हमने अपने आप को सबसे ज्यादा महफूज पाया है। हाँ बाबूजी, मैं और बहिनी तो इस घर में ब्याह के आई। हमारे लिए ये घर तो उस घर से भी बढ़कर है जहाँ हमने जन्म लिया। क्या हो रही? आज पापा फैसला सुनाने वाले हैं इस घर के बारे में। आप सब लोग सोच रहे होंगे कि मैंने आप सब लोगों को नीचे क्यों बुलाया। कल जो भी हुआ सबके साथ हुआ, बस एक वही वजह है जिसने रातों रात मुझे यह फैसला लेने के लिए मजबूर किया। बाबा, हम सब आपके साथ। खुशियों के घरों दो को क्यों आने दूं बूंदों को आंखों में। जिंदगी के बादल घनेरे लेके आते हैं जब सवेरे, मिट ही जाते हैं ये अंधेरे। सपनों से भरे नैना, सपनों से। वाह दादा, क्या आपने एकदम गुस्से वाले बुड्ढे की तरह फोन पे उसको डांटा? हेलो जी, आप क्या?